स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट रीड कीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ 8 है और दूसरी की लेंथ 12 है। ये फिगर देखिए, साइड में बनी हुई ए बी सी डी। बेटे ए बी साइड की लेंथ 8 मीटर है और बी सी जो बड़ी साइड है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स। उसके बाद है जी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए डी। ए डी का मिड पॉइंट एफ है और बी सी का मिड पॉइंट ई है। बाई रिस्पेक्टिवली बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड हीरस फॉर्मूला, इन दोनों को यूज़ करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी ई। बेटे ये जो नीचे ट्राइंगल बन रही है ना, मिड पॉइंट्स आ गए थे आपके पास ई और एफ, इनको ई को आपने ज्वाइन कर दिया ए के साथ और एफ को ज्वाइन कर दिया आपने सी के साथ। अब आपने ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल एफ डी सी दोनों के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। ये उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन। और नंबर 2 उसने आपसे ये पूछा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ सी, ये जो अंदर पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। ओके जी, हम सबसे पहले तो अपना डाटा लिख लेते हैं। ए बी की लेंथ 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने। इसको हमने ए का नाम देना है इसलिए मैंने साइड पे ए लिखा। उसके बाद है जी बी ई, चूँकि बी सी फुल साइड 12 है, अगर मैं उसका हाफ़ करूँगी मिड पॉइंट तक तो वो 6 बन जाएगा, यानी बी ई भी 6 होगा और ई सी भी 6 होगा। बी ई को क्या लिख लिया, 6। और बेटे अगर आपने ए बी ई ट्राइंगल की, ये जिस ट्राइंगल को मैंने थोड़ा सा डार्क शेड किया है ए बी ई, आपने इस ट्राइंगल का बेटे एरिया फाइंड आउट करना है। आपको बी ई की लेंथ पता चल गई है 6 है, ए बी की पता चल गई है 8 है, लेकिन आपको ए ई की लेंथ नहीं पता। वो आप निकालोगे किस थ्योरम के थ्रू, पाइथागोरस, क्योंकि ट्राइंगल कौन सी है, राइट है। तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 8 स्केयर प्लस 6 स्केयर, ऐड करो स्केयर रूट लो तो सी की वैल्यू निकल आई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए ई की क्या वैल्यू बन गई है, 10 सेंटीमीटर। अब हमने हीरोज़ फार्मूला के थ्रू इस ए बी ई ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी ई इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी, वही फार्मूला ए बी सी के साथ। फिर आपने एस निकालना है, एस निकल आया जी 12। उसके बाद अंदर वैल्यूज पुट करें तो ए बी ई ट्राइंगल का एरिया क्या बन गया है, 24 सेंटीमीटर्स। अच्छा आप बेटे ज़रा आप ट्राइंगल देखें, अपना ये फिगर देखें ज़रा, तो ए बी ई और एफ डी सी दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के मेजरमेंट सेम हैं, दोनों के पैरामीटर सेम हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम हैं तो इसका मतलब जो एक का एरिया है वही दूसरे का एरिया होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल एफ डी सी। इसका मतलब दोनों का एरिया 24, हमें दूसरे का अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ें बुक से, तो उसमें गिवन है कि आपने पैरालेलोग्राम ए ई सी एफ दोनों ट्राइंगल के दरमियान में जो दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में जो एरिया है ए ई सी एफ, जिसको मैंने अभी से आपके सामने रेड कलर में दोबारा सर्कल लाइंस बनाई हैं जिसके अंदर ए ई सी एफ, बेटे इस पैरेललोग्राम सरफेस का आपने एरिया भी कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब पैरेललोग्राम क्या होती है, ये भी 4-साइडेड फिगर है लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे ए ई पैरेलल है एफ सी के और ए एफ पैरेलल है ई सी के। और ये जो मैंने लिखा है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी एफ, बेटे ये सिंबल है, ये यूज़ होता है पैरेललोग्राम को राइट करने के लिए। अच्छा जी, अगर बेटे मैं डॉटेड लाइन से, ये अभी मैंने एफ को ई के साथ ज्वाइन कर दिया है डॉटेड लाइन से, तो ये दोबारा से ट्राइंगल नहीं बन गई, एफ ई सी और ए एफ ई बन गई हैं ट्राइंगल्स। और इसका मतलब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को ऐड कर लें तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा, और इनका भी वही एरिया है जो मैंने ट्राइंगल ए बी ई का निकाला है, क्योंकि ये सब चारों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ट्राइंगल ए एफ ई का एरिया प्लस ट्राइंगल सी एफ का एरिया बोथ आर
का सम इक्वल होगा पैरेलोग्राम के एरिया के, 24 + 20 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल का, इस पैरेलोग्राम का एरिया है।